सिटी करनाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं, जिससे यह लगता है कि करनाल की पुलिस सुस्त है और बदमाश चुस्त है, क्योंकि बदमाशों के दिल में कानून और पुलिस नाम का कोई डर नहीं है। बदमाश दिन दिहाड़े ही एक घर में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। क्या किसी को इसकी कानों कान खबर भी नहीं होती? जब तक घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचती है, तब तक तो हथियारबंद अपना काम कर अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही मामला करनाल के बूढ़ाखेड़े से हमारे सामने आ रहा है, जहां हथियारबंद बदमाश घर में मौजूद महिला और बच्चे को बंधक बनाते हैं और लाखों की ज्वेलरी और नकदी को लेकर फरार हो जाते हैं। बदमाश अपने साथ सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर चले गए। सूचना के बाद पुलिस और सीआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घर में बिखरा यह सामान इस बात का अंदेशा जता रहा है कि घर में बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार सुबह के 8 बजे और घर के सभी लोग काम पर चले गए थे। घर में सिर्फ एक महिला और एक बच्चा मौजूद था। हथियारबंद बदमाशों को इस बात की जानकारी थी कि घर में ज्यादा लोग नहीं है और घर में भारी मात्रा में सोना और नकदी रखी हुई है। फिर क्या था, तीन बदमाशों ने घर पर धावा बोला और घर वालों को बंधक बनाकर घर से रखी लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। घर के लोग इतने सहमे हुए थे कि मीडिया के सामने भी उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। पुलिस को इस वारदात की जैसे ही जानकारी हुई तो पुलिस के आला अधिकारी सीआईए और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन देखना यह है कि पुलिस ऐसे बदमाशों पर कैसे शिकंजा करती है और उन्हें कब तक गिरफ्तार करती है, यह देखने वाली बात होगी। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह खास रिपोर्ट। ये अपना महिंद्रा स्कूल वाले हमारी चाची हैं जी। तो पुलिस आई है? हाँ जी। तो क्या पता चला था आपको सुबह? जो पता चला एकदम रौला पड़ गया जी। अच्छा जी, चोरी होगी। तो मतलब बंदूकों की नोक पे आए थे तीनों? हाँ जी। तो क्या काफी कुछ ले गए हैं? हाँ जी, काफी कैश। तो पुलिस की टीम में पहुंची कम 20-30 तोले सोना ले गए हैं। और तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बलविंदर। सर क्या बताना चाहेंगे बूढ़ाखेड़ा गांव में जो डकैती हुई है उस बारे में? डकैती के बारे में क्या बताएं, ये तो पहले अपना मान साहब के घर पे हुई, उसके साथ मेरे साथ 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं, अभी तो यहाँ शुरू हो गया काम। तो ये सेफ्टी तो कुछ भी नहीं रही यहाँ पे, घर पे बच्चे को अगर कहा तो कोई रह ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो क्या सेफ्टी है? कोई गुड़िया कोई अपने आप को सेफ समझेगा? कोई अपने आप तो बंधक बनाकर लूटपाट कर बनाकर हाँ कमरे में बंद करके कैश और ज्वेलरी लेकर निकल गए। किनका घर है ये? रविंदर को। तो चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सुबह सुबह हुआ है आज? सुबह 8 बजे। क्या नाम आपका? करमजीत सिंह। हाउस नंबर 262 ये महिंद्रा पब्लिक स्कूल के पास पड़ता है और यहाँ पे मैं माता जी रविंदर को उनके घर एक इंसिडेंट हुआ है, रॉबरी का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो इनकी एप्लीकेशन लेके आगे फर्दर हम इसको इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करते हैं। तो कितने लोग थे सर, किस पे आए थे? इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से डिस्क्लोज नहीं करूंगा जी, कुछ भी आप बेशक पूछ लीजिए। पर तो घर पे कौन कौन थे? घर पे जो परिजन ही थे और इन्होंने जो बताया है वो हमने टेक डाउन करके उस पर FIR रजिस्टर कर रहे हैं। FSL टीम मेरी मौके पे है, बाकी DVR भी ले गए सर अपने साथ। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बाकी जो भी है इनपुट और इन्फॉर्मेशन जितनी थी हमारे पास आ चुकी है, उसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करेंगे और जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें हैं उसको हम नाप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabre paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.